अनुदिति ज्योतिष केंद्र कुंडली पार्ट 101 में आपका स्वागत है। बुध आदित्य योग सीरीज में कन्या लग्न में हम देखने जा रहे हैं कि बुध आदित्य योग कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। बुध आदित्य योग वो योग होता है जो सूर्य और बुध के मिलने से बनता है। सूर्य बुध को अस्त ना करे तो योग माना जाता है, अस्त कर देगा तो योग नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इस योग में एक और चीज़ है कि दोनों ग्रहों का षडबल जरूर देखें, उनकी नवमांश पोजिशन देखें, क्योंकि 100% आप बोल देंगे बगैर इन सब चीज़ों को देखे। मैं एक भाव की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर एक भाव पर डिस्कस कर रहे हैं हम, और मैं पूरी कुंडली का विश्लेषण करके नहीं बता रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसी है, मैं सिर्फ भाव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें कि सूर्य बुध आदित्य योग पहले घर में रूप कद काठी डिसाइड करता है, दूसरे घर में दूसरे का पैसा लेके बिजनेस करने में कितना सक्षम होगा इंसान वो बताता है। जो तीसरा घर होता है वो तीसरा घर से हम ये देखते हैं कि वो कितना परिश्रम कर पाएगा, परिश्रम का फल कितना मिलेगा। चौथा घर से हम ये देखते हैं कि किसी संस्था का वो प्रमुख हो सकता है, कुलपति हो सकता है, लेकिन माता के स्वास्थ्य में कुछ चिंता हो सकती है। पांचवें घर से हम देखते हैं कि जो संतान होगी अल्प होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो प्रतिभा संपन्न संतानें बताता है। 6-8-12 बिल्कुल अच्छा नहीं है। आठवें में चोट चपेट, 12वें में जो होगा आपका कुटुंब ही धन खाएगा, जो है सट्टे में जाएगा। छठे घर से कोर्ट कचहरी इस तरह के लिटिगेशन जैसी चीज़ें हो सकती हैं। सातवां घर जो बताता है, ये बताता है अभिनेता बताता है, डॉक्टर बताता है, बहुत अच्छा है, लेकिन यौन संबंधी कुछ समस्या अगर गड़बड़ हुआ तो उल्टा असर। अगर मैं बात करूँ नवे घर की, तो नवे घर से स्वाभिमानी होते हैं, लेकिन स्वाभिमानी इनको क्या करता है, चिंता का कारण बनता है। 10वें घर से जो डिसाइड होता है वो कितना चतुर होगा, कितना पैसा कमाने में सक्षम होगा वो बताता है। 11वें घर की बात करूँ तो 11वां घर आपका जो मेन चीज़ बताएगा यशस्वी संगीत विद्या रूपमान इस तरह की। 12वां घर एकदम खराब, धन का नाश इस तरह की चीज़ें बताता है। इसके अलावा 6-8-12 में इन दोनों में से कोई ग्रह फंसे तो विपरीत राजयोग में आता है, लग्नेश पर ये नियम नहीं लागू होता। लग्न कमजोर नहीं होना चाहिए, लग्नेश कमजोर नहीं होना चाहिए, वरना विपरीत राजयोग भी काम नहीं करेगा। विपरीत क्या, कोई भी राजयोग काम नहीं करता। चलिए कुंडली पार्ट 101 में और हम देखते हैं कन्या लग्न। कन्या लग्न में पहला घर बुध सूर्य इस कुंडली में प्रबल मारक है, ठीक है। तो सूर्य से नहीं बनेगा, बुध से बनेगा, बुध की दशा में 50% ही असर देगा। दूसरे घर की अगर मैं बात करूँ, दूसरे घर में भी आपका बुध ठीक फल देगा लेकिन सूर्य अच्छा फल नहीं, तो यहाँ भी 100% ये योग नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ पर दूसरे घर की बात करूँ तो यहाँ पर सूर्य नीच के भी हो जाते हैं, ठीक है। तो सूर्य बहुत बुरा फल देंगे जब उनकी दशा अंतरदशा आएगी, ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तीसरे घर में बुध अच्छा फल देंगे, सूर्य नहीं देंगे तो 50% ही माने। चौथे घर में भी वही कहानी है, सूर्य अच्छा नहीं देंगे, बुध अच्छा देंगे, 50% असर रहेगा। पांचवें घर में भी आपका सूर्य के शत्रु भी हैं तो सूर्य बहुत ही खराब फल देने वाला है, बुध यहाँ पर अच्छा देगा 50%। 6 अच्छा नहीं, 8 अच्छा नहीं, 12 अच्छा हो ही नहीं सकता, ठीक है, विपरीत राजयोग छोड़ के। अगर मैं सातवें घर की बात करूं तो ना यहाँ बुध अच्छा फल देंगे और ना सूर्य अच्छा फल देंगे, क्योंकि बुध यहाँ पर मीन राशि में नीच के हो जाते हैं। इसके बाद अगर मैं नवे घर की बात करूँ, नवे घर में आप फिर पहुँचे, नवे घर में आपका यहाँ पर बुध को अच्छा फल देना है, सूर्य को अच्छा फल यहाँ भी नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 10वें घर में, तो 10वें घर में बुध अच्छा फल देगा, सूर्य यहाँ भी अच्छा फल नहीं देंगे। 11वें घर में फिर आपका बुध ठीक ठाक फल देगा 40% के आसपास, और सूर्य अच्छा फल नहीं देगा। 12वें घर में बिल्कुल अच्छा नहीं देगा। अब देखिए इस लग्न में अब आपको क्या चीज़ कैसे वो क्लियर होगी। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पहली राशि है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 11वीं मकर राशि, तो इस तरह से। तो ये था वीडियो बुध आदित्य योग कन्या लग्न में, विपरीत राजयोग इसमें नहीं बन रहा है, तो इस तरह से ये 3 घरों पे इस तरह से असर देगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो तक नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।